स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रैंड फिर एबिस ग्रैंडिस ये किस तरह का पेड़ होता है और इससे हमें क्या क्या देखने में मिलता है और ये कहाँ मिलता है दोस्तों, ये कहाँ खिलता है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। ग्रैंड फिर क्लोजअप। ग्रैंड फिर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फिर ट्री स्पाइसेस। दोस्तों ये जो है काफी जल्दी से बड़ा होता है एज वेल एज वन ऑफ द टॉलेस्ट और ये सबसे बड़ा भी रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सबसे जल्दी बड़ा होता है और ये बड़ा भी रहता है दोस्तों। द 3 inches cones टर्न रेडिश ब्राउन एज द मेच्योर। दोस्तों उसके जो 3 inch के जो कोन है ये रेडिश ब्राउन हो जाते हैं जब ये मेच्योर होता है। ठीक है दोस्तों, ये कैसे समझेगा अपने को बड़ा हुआ है, जब इसके जो 3 inch के जो कोन है वो लाल ब्राउन कलर के दिखने लगेंगे अपने को। द 2.5 inch फ्लैट नीडल्स आर शाइनी डार्क ग्रीन ऑन द टॉप विथ 2 white lines ऑन द अंडर साइड्स। दोस्तों इसके जो द 2.5 inch फ्लैट नीडल्स, इसके जो नीडल्स होते हैं दोस्तों वो 2.5 inch की होती हैं, यानी कि 2.5 inch की होती है। और इसका कलर कैसे होता है, शाइनी डार्क ग्रीन होता है ऊपर से विद अ टाइप द टॉप वाइट लाइन्स ऑन द अंडर साइड। और टॉप वाइट लाइन्स जो होती हैं वो अंडर साइड में जाती हैं दोस्तों। एंड रिलीज एन ऑरेंज फ्रेग्रेंस व्हेन क्रश्ड। दोस्तों ये जब इसमें हाथ में थोड़ा सा इसमें आप इसमें लेते हैं, थोड़ा सा इसको आप चेक करते हैं तो इसमें ऑरेंज फ्रेग्रेंस जो है निकलती है। द बार्क इज स्मूथ एंड ग्रे। तो बार्क है दोस्तों स्मूथ और ग्रे कलर का होता है। द ट्री हैज अ नंबर ऑफ रीजनल कॉमन नेम्स इंक्लूडिंग ग्रेट सिल्वर फिर, जेंट फिर, ओरेगोन फिर, लोलैंड वाइट फिर, वैंकोवर फिर, वेस्टर्न वाइट फिर, येलो फिर एंड ग्रेट फिर। दोस्तों इस ट्री को हम लोग अलग अलग नाम से भी काफी जानते हैं। कौन से हैं, सिल्वर फिर, जेंट फिर, ऑर्गन फिर, लोलैंड वाइट फिर, वैंकोवर फिर, वेस्टर्न वाइट फिर, येलो फिर एंड ग्रेट फिर। ठीक है दोस्तों, ये ट्री हमें नॉर्थ वेस्ट यूएस में मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसका नेटिव एरिया वही नॉर्थ वेस्ट यूएस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।